हेलो गाइस, क्या रहा थोड़ा। आज हमारा सेकंड डे है दुबई के अंदर, तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, ग्रॉसरी वगैरह की, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर रहकर। जो आज का ब्लॉग होगा वो थोड़ा शॉपिंग से रिलेटेड होगा, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग की तरफ आ जाऊँ, और ट्राई करूँ कि भी मैं खुद भी आया करूँ ब्लॉग में, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे थोड़ा सा ना, मतलब मैं कैमरा शाय हूँ, मैं ज्यादा फोन निकालती नहीं हूँ। आई नो पिछले ब्लॉग में थोड़ी सी बुरी लग रही थी, क्योंकि मैंने बाल छाल बांधे हुए थे और मैंने बाल कट करवा लिए। मैंने कभी भी बड़े बाल नहीं रखे, मैंने हमेशा छोटे ही रहे मोस्टली। एंड ट्रस्ट मी, ये मास्क बहुत छोटा है, ये बच्चों का मास्क है, बड़ों का मास्क मुझे बहुत खुला हो जाता है। मैं अपने मास्क जो है वो पाकिस्तान भूल आई हूँ, और यही मास्क मुझे मिला तो मैंने यही उठा कर लगा दिया, और यहाँ से देखती हूँ कहीं मुझे अच्छा सा मास्क मिले मेरे मुंह के हिसाब से, क्योंकि मेरा मुंह वैसे मैं थोड़ा बड़ा लग रहा है, वैसे बहुत छोटू सा मुंह है मेरा, तो इस वजह से मुझे मास्क जो है ना नॉर्मल लोगों के वो मुझे नहीं आते। बोलेगा ये समस्या है। सो गाइज, हम लोग मॉल ऑफ एमिरेट्स पहुंच चुके थे, और यहाँ पर हम लोग ने स्टार्ट कर दी ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग करनी, क्योंकि हमारा फर्ज था और हम लोग ने महीने भर की ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी। और ये मॉल बहुत ज़्यादा, ये स्टोर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, इधर आपको हर किस्म की हर चीज़ मिलेगी, और आई थिंक प्राइसेस इतनी हाई नहीं थी हर चीज़ की एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पर भी वही सब रेट्स थे, तो हम लोग ने उस हिसाब से ली हर चीज़, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद भी हुई। मतलब अगर हम लोग पूरे मंथ का यहाँ से सामान ले लें तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, अगर हम घर का खाना खाएं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाहर का खाएं तो वो महंगा भी हो सकता है। हमने यहाँ से दालें वगैरह ली, क्योंकि दाल चावल तो मोस्ट फेवरेट होता है ना। ये देखो वजीता के नाम के भाई साहब पतरी सूप पड़े हुए थे, रणबीर सिंह भी था भाई यहाँ पे, सेलिब्रिटी टटियाँ भी थी यहाँ पे। बादशाह बिस्किट को भी पार्ले जी बुलाते हैं, एक हमें हेरा भी बुलाते हैं सारे। फिर उसके बाद हम लोग ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी, हम आटा शाटा ले रहे थे यहाँ पे, मतलब हर चीज़ है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हर चीज़ और हर किस्म की मिलेगी आपको। काफ़ी सारी शॉपिंग वगैरह कर ली थी, जो चीज़ें ज़रूरी थी वो ले ली थी, कुछ सामान हम लोग इधर से भी लेकर गए हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है हमें क्या कहते हैं, हम लोग देसी हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे ना। चेक करें भाई साहब क्या एलईडीज थी भाई, क्या इनके पिक्सल से, क्या इनकी यू नो बहुत ज़बरदस्त थी ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग आगे जी ये केकड़ों वाली साइड पे, यहाँ पर सारा सी फूड वगैरह लगा हुआ था, जो कि ये फिलिपिनी वगैरह खाते हैं, और यहाँ इनको देख के ना मुझे बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मतलब ऐसे ना घिन घिन सी आ रही थी भाई साहब। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो कि अलाइव थी, यहाँ पर ये झिंगे विंगे पड़े हुए थे, प्रॉन्स वगैरह, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैंने कभी नहीं खाए, मेरे हस्बैंड ने खाए, मैं कह रहे थे तो मैं खिलाऊंगा, मैंने कहा मैं तो कभी भी नहीं खाने भाई। यहाँ पर नॉर्मल फिश भी थी जो कि हमारे पाकिस्तान वगैरह में मिलती है, लेकिन ये ना हराम चीज़ें ज़्यादा थी तो मुझे वो अच्छी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। ये चेक करो भाई साहब, सांप पड़े हुए थे, पता नहीं कौन से सी स्नेक है, ये खाए जा सकते हैं बट मजबूरी में। यहाँ पे ये लाइव क्रैब था, अलाइव, और ये वेट के हिसाब से इसका जो है ना प्राइस वगैरह थी, जितना इसका वेट होगा आई डोंट नो 36 दिरहम पर वेट था इसका। और यहाँ पर ये क्या कहते हैं अलाइव और भी चीज़ें थी, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं था लेकिन फिर भी जल्दी से घुस गई थी, लेकिन शुक्र है भाई वापस आ गई थी, कोई चीज़ चिमट जाती मेरा क्या होता। फिर हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली थी, बिलिंग वगैरह करवा रहे थे यहाँ पे, काफ़ी लंबी लाइंस होती हैं बिलिंग के लिए, काफ़ी देर वेट करना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोग बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। बिलिंग वगैरह करवा के हम लोग शार्ट हो गए भाई पार्किंग की तरफ, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और मेरी मम्मा चाह रही थी कि वो कुछ देसी खाएं तो हम लोग देसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, यहाँ पर थे मैकडॉनल्ड्स वगैरह थे हम लोग वो खा रहे थे, बट मम्मा का दिल था कि वो देसी खाएं तो हम लोग पार्किंग की तरफ आ गए। ये चेक करें मेरे भाई की हरकतें, आप लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फनी हरकतें करती हूँ, भाई मेरा भाई भी ऐसी चीज़ है, टेंशन नहीं लेनी, इससे भी मुलाकात करवाएंगे आपकी। फिर उसके बाद मैंने कहा आपको गाड़ियाँ शड़ियाँ दिखाई, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, मतलब अरबी हैं भाई, अमीर हैं, रख सकते हैं गाड़ियाँ, और ये हमारी गाड़ी है, इट्स अ जीप, फर्स्ट डे हमारी रेंज रोवर थी, सेकेंड डे हमारे पास जीप थी।
फिर हम लोग रवाना हो गए देसी खाना खाने। फर्स्ट डे ये वाला होटल ओपन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ बिरयानी अवेलेबल थी, लेकिन तो भाई ने कहा कि भाई हम दूसरी जगह जाएंगे। तो आज ये उसका फेवरेट होटल है, यहाँ पर आए हैं हम। आई डोंट नो उसका नाम क्या, इकबाल रेस्टोरेंट आई डोंट नो ऐसा कुछ नाम था। यहाँ पर हमने ऑर्डर करवाया छोटा गोश्त और साथ बिरयानी, जो कि अच्छी थी। बिरयानी थी कि पता नहीं, सादा चावल था, आई डोंट नो, लेकिन बिरयानी लग रही है मुझे। तो ये छोटा गोश्त हम लोगों ने खाया एंड ट्रस्ट मी यार, बहुत ज़बरदस्त था। बिल्कुल घर वाली फील दे रहा था, जैसे मम्मा ने बनाया वो, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाना था यहाँ पे। फिर यहाँ पे खाना छाना फिनिश करके हम लोग यहाँ से शार्ट हो गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। आई गेस 11 बज गए थे और हम लोग थके हुए भी थे, और ये हमारा सेकंड डे था दुबई में। तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं इसी तरह व्लॉग्स वगैरह अपलोड करती रहूँगी डेली इंशाल्लाह। मेरी यही कोशिश है कि मैं डेली व्लॉगिंग वगैरह करूँ, ताकि आप लोगों को भी यहाँ की लाइफ दिखा सकूँ, कैसी होती है कैसी नहीं होती। और ये बिल्कुल एक सिंपल लाइफ है, कोई अमीरों वाली लाइफ नहीं है कि मैं डिश कुमटाना वाली चीज़ें दिखाऊँ आपको, जो कि सारी फेक हूँ। सो गाइज़ अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।